बस आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं रेसलमेनिया 38 की फाइनल प्रेडिक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। इस विश्व में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे धर्म, लेकिन रेसलिंग फैंस का सिर्फ एक धर्म, एक त्योहार रेसलमेनिया हम लोगों को कल देखने को मिलने जा रहा है। रेसलमेनिया 38 दोस्तों इस बारी का दो नाइट्स का रहेगा, जहां पहली नाइट हमें कल यानी कि 3 अप्रैल को और दूसरी नाइट 4 अप्रैल को देखने को मिलेगी। जहां 3 अप्रैल की रेसलमेनिया की बात करूं, सुबह 5:30 बजे से लाइव देखने को मिलेगा आपको सोनी नेटवर्क के चैनल के ऊपर, जिसके अंदर ज्यादातर मैचेस रखे गए हैं। जहां गाइस बात की जाए इसके सबसे पहले मैच की, तो गाइस वो हम लोगों को देखने को मिलने जा रहा है हमारे कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का। तो गाइस इस मैच को डब्ल्यू वालों ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, लेकिन सेथ रॉलिंस का एक मिस्ट्री ओपोनेंट होगा, ये चीज डब्ल्यू वालों ने कंफर्म की है। आज दोस्तों सुबह सवेरे सेथ रॉलिंस ने द रॉक को मेंशन किया अपने ट्विटर के ऊपर और कहीं ना कहीं टीज किया कि द रॉक भी उनके ओपोनेंट हो सकते हैं रेसलमेनिया में, लेकिन सब लोग जानते हैं कि सेथ रॉलिंस मजे ले रहे हैं और ऐसा दोस्तों 2-3 दिन से कर रहे हैं। उन्होंने कई सुपरस्टार्स को मेंशन किया अपने ट्विटर के ऊपर, लेकिन एक बंदे को नहीं किया है, जो कि है कोडी रोड्स ने दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू को साइन कर लिया है। पूर्व AEW TNT चैंप दोस्तों अब हमें WWE के अंदर फिर से दिखाई देगा, जो कि सेथ रॉलिंस के चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। मैच की बात की जाए, मैच कोडी ही जीतने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने मिलेगा वो है दोस्तों हमारे अपने कॉर्बिन का, जो कि फेस करने जा रहे हैं ड्रू मैकइंटायर को। तो गाइस इसे आज ही स्मैकडाउन का मेन इवेंट रखा गया था, लेकिन कल दोस्तों आपको शुरू में देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में। जहां गाइस बात की जाए हैप्पी की, हैप्पी कॉर्बिन अभी तक बिल्कुल भी नहीं हारे हैं जब से वो हैप्पी बने, तो ड्रू मैकइंटायर के लिए बड़ा चैलेंज है। बात की जाए इस मैच के रिजल्ट की, इस मैच के अंदर दोस्तों हैंड्स डाउन ड्रू मैकइंटायर विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वह है दोस्तों मिस्टीरियोस का, जो कि फेस करने जा रहे हैं हमारे अपने दमीज एंड लोगन पॉल को। तो गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो ये मैच अपने आप में काफी ह्यूज है, क्योंकि गाइस लोगन पॉल का डेब्यू मैच रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यू में। बात की जाए इस मैच के विनर्स की, तो गाइस मेरे हिसाब से इसके अंदर लोगन पॉल एंड दमीज जो है वो विजय प्राप्त करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोग देखने को मिलेगा वो होने जा रहा है स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, जहां गाइस उसोस फेस करने वाले हैं रिक बुक्स एंड शिंसुके नाकामुरा को। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा इससे पहले जो और सामने आए थे उनमें उसोस ही लीड कर रहे थे, और बात की जाए शिंसुके नाकामुरा बुक्स की, इनकी टीम दिखने में तो अच्छी खासी दिखती है, लेकिन ये उतनी सीरियस लेने योग्य नहीं है, सब लोग जानते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पिक करने वाला हूँ द उसोस को। द उसोस इसके अंदर आसानी से अपने टाइटल जो है वो डिफेंड कर ले जाएंगे और ब्लड लाइन का नाम चमकाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होने जा रहा है वो काफी ह्यूज है, वो होने जा रहा था ओल्ड बैकी लिंच वर्सेस प्रियंका ब्लेयर। ओल्ड बैकी लिंच इसलिए क्योंकि अब बैकी के बाल पहले जैसे हो चुके हैं, जैसे कि शुरुआत में होते थे नारंगी से बाल हो चुके हैं, और हाल ही में प्रियंका ने काटे भी थे, तो बदला लेना है। और गाइस इस मैच के अंदर हमें चीज देखने को मिल सकती है मिड में कि बैकी कैंची से वहां बाल काटने की कोशिश करे बियांका के, और इसी दौरान बियांका अपना फिनिशर जो है एग्जीक्यूट करे। विनर इसके अंदर मेरे हिसाब से बियांका ब्लेयर बनने वाली है, और बनेगी वो ब्रांड न्यू रॉ वुमन चैंपियन। इसके बाद जो अगला मैच होगा वो है दोस्तों हमारी अपनी शार्लेट फ्लेयर का, जो कि फेस करने वाला है राउडी रोंडा राउजी को। तो गाइस पहले रोंडा को लगा था मैच रखा जाएगा मेन इवेंट में, लेकिन समय मेन इवेंट में होगा। जहां गाइस बात की जाए इस मैच की, इसके अंदर जो स्मैकडाउन की वुमन चैंपियनशिप दाव के ऊपर है, रोंडा ने दोस्तों रॉयल रंबल भी जीता है, काफी हाई स्टेक है। रोंडा ने कसम खाई है हाथ उड़ा ले जाएंगी और ले भी जाएंगी, मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर रोंडा राउजी ब्रांड न्यू चैंप बनेगी स्मैकडाउन की। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होगा, मैच नहीं दोस्तों एक तरीके का सेगमेंट है, और वो है केविन ओवेंस शो विद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। तो ये थिंग दोस्तों नाइट वन को करने वाली है, क्लोज डे चीज कंफर्म हो चुकी है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कई सालों बाद, कई दशक बाद हमें फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग में दिखाई देंगे, जहां गाइस इस थिंग को ब्रॉल में तब्दील होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ब्रॉल में कौन जीतता है, जो कि विजय प्राप्त करता है सामने वाले को लिटा डालता है, और गाइस पहला स्टनर ऑस्टिन की तरफ से ही होगा। ऑस्टिन इसमें अपना परचम लहराएंगे और रेसलमेनिया को बहुत अच्छे से क्लोज करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलेगी नाइट टू दोस्तों परसों देखने को मिलेगी, जहां गाइस इसका जो सबसे पहला मैच है काफी अच्छा है देखने में, और ये होने जा रहा है दोस्तों हमारे फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का, जो कि फेस करने वाला है रेटेड आर सुपरस्टार एज को। तोड़बी वालों को ज्यादा समय नहीं मिला इस मैच को बिल्ड करने में, और समय की बात की जाए तो जो हमारे एज है उनका समय चल रहा है, वो डार्क कैरेक्टर में तब्दील हो चुके हैं। एजे स्टाइल्स काफी समय से ओमुस की छत्र छाया में थे,
और उनकी क्षेत्र छाया में रहते रहते काफी ज्यादा सॉफ्ट भी हो गए। यहां दोस्तों एज को फेस करने वाले हैं जो कि दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। मेरे हिसाब से इस मैच में जीतेंगे द फेनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। इसके पीछे दो बड़े रीजन है, पहला रीजन ऑड्स में काफी बढ़िया चल रहे, दूसरे एजे स्टाइल्स मेरी फेवरेट है। चलते हैं दोस्तों इसे अगले मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच हम लोग वो देखने को मिल रहा है वो गाइस काफी ह्यूज है, वो है पैट मैकेफी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। ह्यूज इसलिए क्योंकि गाइस पैट मैकेफी काफी बड़े सेलेब रहे हैं, वो तो दोस्तों अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमेंट्री करना चालू है, इससे पहले उन्हें बहुत से लोग जानते थे। तो ऐसे में दोस्तों पैट के लिए काफी बड़ा मैच है, लेकिन इसके अंदर ऑस्टिन थ्योरी ही जीतेंगे क्योंकि अगर पैट मैकेफी जीत जाते हैं तो ऑस्टिन थ्योरी का करियर तबाह हो जाएगा, भला एक कमेंटेटर से कौन हारता है। चलते हैं दोस्तों इससे अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच होगा वो होगा आरके ब्रो वर्सेस हमारी अल्फा एकेडमी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के मध्य। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये नाइट को स्टील करने वाला मैच है और तीनों टीम्स काफी ज्यादा कूल है, काफी ज्यादा दोस्तों स्ट्रॉन्ग है। बात की जाए इस मैच के विनर की यानी कि ट्रिपल थ्रेड मैच की, इसके अंदर आरके ब्रो हैंड्स डाउन विजय प्राप्त करेगी क्योंकि आरके ब्रो इज ओपी। चलते हैं इसे अगले मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच होगा वो है महिलाओं का फैटल फोर वे मैच, तो टैग टीम फैटल फोर वे मैच जहां चार टीम्स है, रिया लिव की है, कार्मेला वेगा की है, हमारी अपनी शेना नटालिया की है, और मेन टीम जो है जो कि इस मैच को जीतेगी मेरे अकॉर्डिंग वो है नायोमी एंड साशा बैंक्स की। तो नायोमी एंड साशा बैंक्स ब्रांड न्यू चैंपियन बनेगी। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच होने जा रहा है वह गाइस द जायंट ओमोस का जो कि फेस करने वाला बॉबी लैशली को। काफी बड़ा मैच है, लिटरली बहुत बड़ा मैच है, और गाइस बात की जाए सुपरस्टार्स की, सुपरस्टार्स भी काफी बड़े बड़े हैं। ओमोस दोस्तों इस मैच को जीतने वाले हैं। रीजन इसके पीछे का ये है कि गाइस ओमोस को डब्ल्यू वाले ह्यूज पुश दे रही है, लैशली अभी अभी लौटे हैं, इंजरी का बहाना लग सकता है, ओमोस इसके अंदर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं इसके अगले मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच होगा वो है गाइस हमारे अपने सेमीजेन का जो ही फेस करने वाले जॉनी नॉक्सवेल को। तो गाइस जॉनी नॉक्सवेल काफी बड़े स्टंटबाज रहे हैं अमेरिकी हिस्ट्री की, और गाइस सेमीजेन जो है वो हमारे फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। गाइस बात की जाए मैच की, मैच में दोस्तों लगता तो ये है कि सेमी जीतेंगे, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके अंदर जॉनी नॉक्सवेल जीतेंगे क्योंकि जॉनी नॉक्सवेल के ऑड्स भी बढ़िया चल रहे हैं। साथ ही साथ जॉनी नॉक्सवेल जो कि एक सेलेब है यहां विजय प्राप्त करेंगे ऐसा माना भी जा रहा है। चलते इससे अगली थिंग के ऊपर। इसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलेगा, मेन इवेंट से पहले बात करते हैं शॉक्स की एंड रिटर्न्स की। तो गाइस बेली या फिर आस्का में से किसी एक का रिटर्न कल के कल आप लोगों को देखने को मिलेगा, बताया जा रहा है डेलस टेक्सस में बेली एंड आस्का दोनों को देखा गया है, वहां दोस्तों इन्हें पाया गया है, जिसका मतलब साफ है कि महिलाओं के जो टाइटल मैच होने वाले हैं उनमें दोस्तों इनकी बड़ी इंडल्जमेंट रह सकती है। सेकंड बड़े रिटर्न की बात की जाए तो ब्रे वाइट हमें फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंट्री मारते हुए नजर आ सकते हैं। ब्रे वाइट ने कल दोस्तों टीज किया है इंस्टाग्राम के ऊपर कि वो डैलस में आ चुके हैं और डैलस में कुछ चीज ऐसी वो करेंगे जिसे वो रुइन नहीं करना चाहते, सरप्राइज रुइन नहीं करना चाहते। तो गाइस ब्रे वाइट जो है वो रूमर्ड है कि रेसलमेनिया का पार्ट हो सकते हैं, अगर कोडी ना आए तो उन्हें वो रिप्लेस कर सकते हैं, सेथ एंड उनकी हिस्ट्री भी रही है। वहीं गाइस बात की जाए एक और मेगा रिटर्न की, तो गाइस वो हो सकता है द फिनोम अंडरटेकर की तरफ से। अंडरटेकर दोस्तों हॉल ऑफ फेम में आज इंडक्ट हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन वहां जो कुछ उन्होंने किया वो ज्यादा शॉकिंग था। तो हुआ क्या कि अंडरटेकर की जो स्पीच थी काफी अच्छी थी, उन्होंने विंस मैकमैन को सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया, विंस मैकमैन के बारे में कहा कि ये दोस्त मेरा ज्यादा था बॉस कम, इसने मुझे लात भी मारी, इसने गले भी लगाया है, इस बंदे का मैं थैंक्स करना चाहूंगा, अपनी फैमिली का थैंक्स करना चाहूंगा, अपनी वाइफ का। जहां दोस्तों उन्होंने कई सुपरस्टार्स के नाम भी लिए हैं, लेकिन एंड में जो उन्होंने किया वो ज्यादा शॉकिंग था। अंडरटेकर को दोस्तों जब हॉल ऑफ फेम मिल गया, जब दोस्तों अंगूठी उन्होंने पहन ली, तो हुआ क्या वो जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि अब मैं खुद को कहूंगा रेस्ट इन पीस, लेकिन फिर वो मुड़ते हैं वहां पुतले के ऊपर से कोट निकालते हैं, बहुत सारे कोट रखे हुए थे उनके कई गिमिक्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने एक कोट निकाला जो कि रिसेंट अंडरटेकर का था, पहना और कहा नेवर से नेवर, नेवर से नेवर यानी कि कभी भी मना नहीं करते मैचेस के लिए, और एक मैच के लिए वो इन फ्यूचर लौट सकते हैं। हो सकता है कि रेसलमेनिया के अंदर हमें अंडरटेकर के दर्शन हो जाए, मैच के लिए ना सही लेकिन हाँ वो अटेंडेंस भी हो सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला इस सेंचुरी का और द बिगेस्ट मैच, जिसे दोस्तों डब्ल्यू वालों ने बिगेस्ट मैच कहकर भी संबोधित किया है, चैंपियन वर्सेस चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द सुप्रीम गॉड ऑफ स्मैकडाउन रोमन रेंस वर्सेस द WWE चैंपियन द किंग ऑफ लेजिटिमेसी द किंग ऑफ ब्रूटलिज्म द अल्फा मेल ऑफ आवर स्पीशीज ब्रॉक लेसनर का। तो दोनों ही बंदे दोस्तों काफी तगड़े हैं, दोनों ही बंदों के कंधों पर चैंपियनशिप है, और जो जीतेगा वो बनेगा अखंड
WWE का चैंपियन पूरे के पूरे WWE पर राज करेगा, दोनों चैंपियनशिप अपने कंधे पर लटका कर घर जाएगा। तो गाइस मैच काफी ह्यूज है, और गाइस बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की तो गाइस इसके अंदर दोनों ही सुपरस्टार्स के जो चांसेस है वो लगभग लगभग बराबर है, लेकिन जहां बात लगती है विनर की तो गाइस मैं पिक करूंगा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, जिसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कि रोमन रेंस मेरे फेवरेट है तब से जब से दोस्तों एक फेस सुपरस्टार थे और बिग डॉग कहलाए जाते थे, और आज दोस्तों ने ट्राइबल चीफ तो कहा जा रहा है लेकिन अभी भी वो मेरे फेवरेट है। साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना उन्हें भली भांति आता है, और ब्रॉक लेसनर जो कि बताया जा रहा है अगले एक दो महीने तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही रहने वाले हैं, वो दोस्तों इस मैच के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो विनर रहेगा इस मैच का वो रोमन रेंस ही होगा। लेकिन दोस्तों सबका ओपिनियन अलग रहता है, आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे जो बताएगा। वीडियो का अंत करने से पहले दोस्तों समथिंग बिग इज कमिंग, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ बखैर।